guys, welcome back to my YouTube channel, The Human Magic. If you are new here, hi, my name is Simran. और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज, वो भी एक अलग से ट्विस्ट के साथ. वो ट्विस्ट क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलता रहेगा. सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ जो बहुत ही खास है, हमारे दुबे जी. सो गाइज, हेयर इज आर गेस्ट दुबे जी. मिसेस कह रही थी मैं. कोई नहीं दुबे जी, अरे मुझे सब लोग दुबे बुलाते हैं. क्या क्या नाम रखे हैं, टैमी, टैम, दुबे जी, और वो तमन्ना डूबे. तमन्ना तो पता बहुत बड़ा सा लगता है, मैं तो इसको क्या बोलूं. फिर मैंने लिखा कि दुबे जी ठीक रहेगा, दुबे परफेक्ट है बिल्कुल इसके लिए. सो गाइज, हम लोग कर रहे हैं मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज और हम लोगों का बजट था 2K के अंदर. हम लोगों को एक दूसरे को गिफ्ट्स देने थे और ट्विस्ट ये है कि मैंने इसको दिए हैं सारे ऑफलाइन गिफ्ट्स और इसने मुझे दिए हैं सारे ऑनलाइन गिफ्ट्स. तो आप लोगों को दोनों के बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप क्या गिफ्ट दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन. सो जो मैंने इसके अनबॉक्स किए हैं, मतलब जो गिफ्ट्स अनबॉक्स किए हैं वो इसके चैनल पे होंगे, और ये कर रही है आज जो मैंने इसको गिफ्ट्स दिए हैं वो अनबॉक्स कर रही है. सो देखते हैं इसको पसंद आते हैं कि नहीं आते. मुझे तो इसके सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे हैं, बट मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ कि पता नहीं इसको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, क्योंकि इसके बहुत अच्छे हैं. स्पेशली एक गिफ्ट जो था उसमें तो मेरा रिएक्शन बहुत ही अलग सा था, बहुत अच्छा था आइडिया. सो जाके देखना जरूर. करते हैं, लोगों को लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. चलो, तो ये रहा वो बॉक्स जिसको मैंने इतने दिनों से संभाल के रखा हुआ था, ऐसे मन को मार के रखा हुआ था कि कब खोलने को मिलेगा, कब खोलने को मिलेगा. एंड ये रहा हमारा चाकू. चलो अब मैं आपसे आपकी परमिशन नहीं लेने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट खोल देने वाली हूँ. क्योंकि पता है हम लोग, आज हमारे साथ बहुत बड़ा वाला सीन हुआ है. हम लोग 6 बजे से बैठे हुए और अब 10:15 हो गए हैं. अब जाके वीडियो हमारी रिकॉर्ड हुई, मतलब बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रही थी हम दोनों के साथ. सो आज का दिन ही बुरा था. पर गिफ्ट्स खोलने के बाद दिन अच्छा चला गया. अब इसका जाता है कि नहीं ये देखते हैं. ओके, जब तक तो गिफ्ट्स खोल रही है मैं तेरे से कुछ ना कुछ पूछती रहूंगी. लाइक मतलब अभी तू क्या कर रही है, मतलब सोशल मीडिया के अलावा भी क्या कर रही है अपनी लाइफ में? तो मैं कर रही हूँ BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. मैं फुल फॉर्म भूल गई थी. वाह, कहना पड़ेगा कि कितनी अच्छी पैकिंग की है आपने. वाह, कितनी अच्छी पैकिंग की है. मतलब जिस तरीके से पैक किया मैं उसके बारे में कह रही हूँ. प्लीज अगर आपको ना मिस्टर जीजू को कभी गिफ्ट देने हो ना, मुझे बुला लेना प्लीज. कि हम ये तो इतना वैसा है ना, मैं हाथ से ही खोल सकती हूँ. ओके, सबसे पहले ही मुझे कुछ ऐसा ट्रेडिशनल सा दिखा है. ओके, ये बैग है क्या? हाँ बैग है ये. मेरे पास ऐसा ना, मैंने तेरा देखा था तू कॉलेज वगैरह जाती है ना, तो ये कॉलेज के लिए भी मतलब ठीक है, अच्छा है कि मतलब. और ये इंडियन के साथ भी जाएगा और ये वेस्टर्न के साथ भी जाएगा, ये प्रॉपर इंडियन लुक नहीं देगा, ये दोनों चीजों में जाएगा. बट मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉलेज है ना वहां पे यूनिफॉर्म चलती है भाई. बट नहीं, ये मेरे रील्स के लिए काम आएगा. और भी तो मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब इसको हम सिर्फ कॉलेज में ही लेके जा सकते हैं. कभी आप घूमने जा रहे हो, नॉर्मल आपने कोई इंडियन आउटफिट कैरी किया है, वेस्टर्न के साथ भी जाएगा, इंडियन के साथ भी जाएगा, वेस्टर्न के साथ भी जाएगा. और ये भी थोड़ा कलरफुल है, लाइक जैसे तूने मुझे दिया ना, मैंने भी वही सोच के दिया. जो ब्लैक क्लॉथ है ना, जो ये ब्लैक क्लॉथ लगा है वो वेलवेट है. और थोड़ा बजट में भी रखना था तो वो चीज भी मैंने ध्यान में रखी, और थोड़ा स्पेशियस भी है. चलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ, बाय बाय. हमारा सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड आइटम, सॉरी. ओके, सो दिस इज अ टी शर्ट ड्रेस है कि टी शर्ट है? ओके, अच्छा ये वो वाली है जो ऐसे जिसके शोल्डर्स ऐसे नीचे. हाँ, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, लाइक इतनी स्लीव्स का और बैगी स्टाइल वाला, ये बहुत ट्रेंड में है आजकल. वही मैंने ऐसी 2 टी शर्ट वो स्ट्रीट स्टाइल स्टोर वाली जो वीडियो आपने मेरी सबसे पहले देखी थी उसमें भी मैंने ये 2 मंगाई थी.
और मुझे इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये सरोजनी नगर से ली हुई है, तो मैं कहा ये तो मैं ले ही लूँ। और गाइस इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, एक तो इतनी पतली सी है इसका साइज, मैं इसके लिए जीन्स भी देख रही थी वहां से, इतना सब कुछ देख रही थी, मुझे जो पसंद आया था वो उसके साइज में ही नहीं था, तो मैं इतनी कंफ्यूज। और ये थोड़ा है कि बैगी स्टाइल ये चल जाएगा लूज लूज भी, तो फिर मैंने उठा लिया। ये टॉप्स होते ही बैगी वाले स्टाइल में है, पसंद आनी चाहिए मुझे, इसका टेस्ट का बिल्कुल नहीं अच्छा अच्छा लग रहा है, मुझे कपड़े पसंद ही आएंगे। अब ये थर्ड है, अच्छा इसके अंदर एक और रैपिंग है, इयररिंग नहीं क्लेचर। हाँ क्लेचर है, एक तो क्लेचर है ये, अच्छा स्क्रंचीज। ओहो अरे पता, आज ही मम्मा मैं आपको दिखाऊं, वो शायद तक से मम्मा भी लगाए होंगी, व्हाइट कलर का है, क्लॉ क्लिप, बड़ा सा क्लॉ क्लिप है, एंड ट्रेंड में है, ये भी ट्रेंड में है। मैंने भी ऐसे दो लिए बट मेरे टूट गए, वो मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था तो उसकी पॉकेट में ही रखा रहा, तो वो लेट गई गलती से तो वो टूट गए, बट ये बहुत ट्रेंड में है ये वाले बड़े बड़े वाले वही। और ये ना हाँ बड़े बड़े, मम्मा कह भी रही थी कि मम्मा को चाहिए, हम लोग चलेंगे मार्केट तो खरीद लेना। बट एक जो ये पर्पल वाला है ना, ये थोड़ा मैट फिनिश में है, मुझे बहुत प्यारा सा लगा भाई। और भी चीज है, ये बटरफ्लाई है, देखो बटरफ्लाई वाली क्लिप्स है ऐसे। भाई देते रहो मुझे गिफ्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है येलो। अरे आई नीड सम क्लचेस, लिटरली आई नीड सम क्लचेस, क्योंकि उसमें मैं स्कूटी चलाती हूँ, मैं ही सबको सब जगह लेके जाती हूँ, और फिर हेलमेट लगाना पड़ता है उसमें, कोई भी क्लचर बड़ा सा क्लचर लगाओ ना तो वो फिट नहीं होता। मैंने हर एक को छोटा भी दे दिया, बड़ा भी दे दिया, सब दे दिया वही। और नहीं ये जो स्क्रंची की क्वालिटी है ना, ये भी काफी अच्छी है, मतलब बाकी जो होती है ना उसमें अगर उसको ऐसे स्ट्रेच करो ना तो यहाँ से दिखती है रबर, बट इसमें रबर बैंड दिख नहीं रही है, जैसे देखो इसमें है, इसमें दिख रही है ना, बट इसमें नहीं दिख रही है, अच्छा है। और ये तो ऐसे मैच भी कर सकता है, ये मेरी ड्रेस के साथ मैच कर जाएगा ऐसे। और ये बहुत ट्रेंड में, जब लगाओ ना ऐसे बाल साइड से जो खुल जाते हैं वो बड़े प्यारे से लगते हैं, जो शेप आती है। ओके ठीक है, चलो अब मेरे से ज्यादा वेट नहीं हो रहा है और चीजें खोलने के लिए। अब हम ये दी का फेवरेट टॉफी वाला, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो जो मैंने वो फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने रिद्धि सिद्धि को ना ऐसे ही गिफ्ट रैप करके इसी टॉफी वाली रैपिंग, पुरानी नहीं देखी है या देखी भी होंगी मुझे याद नहीं है, मैं गेस तो कर ही नहीं रही हूँ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं बस बिना कुछ पूछे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि ज्यादातर चीजें क्या है इसीलिए। इयररिंग्स है ये, इयररिंग्स, ओ अगर वैसा हुआ ना, जो एक वाला है ना पर्ल वाला वो मेरे पास, मैंने अपने लिए भी लिया, क्योंकि पर्ल वाली एक ये वाला लिया और जो तेरे पास है ना वो वाला सेम लिया, क्योंकि पर्ल वाली चीजें ना कभी भी ओल्ड फैशन होती ही नहीं वही, और मुझे पर्ल वाली चाहिए थी सेम ये, क्योंकि मैंने देखो ये शीशल वाली खरीदी थी ना, और फिर मेरे को ये चाहिए था, थैंक यू, ये सच्ची में मेरे को चाहिए। और ये ब्लैक वाला तो बहुत प्रिटी लग रहा था, ब्लैक वाला मुझे अपने लिए भी लेना था, बट उसके पास एक ही पीस था ब्लैक वाला, और व्हाइट वाले पर्ल थे बहुत सारे, अच्छी लगी दस्ते, बट मैंने सोचा ब्लैक ही ले लूं, वो सबके साथ जाएगा। ये पर्ल वाले तूने अगर नोटिस किया होगा मैंने सरोजनगर वाली वीडियो में भी डाले, क्योंकि मैंने सेम लिए हैं ये। हाँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि आपने बस दिखा रहे होंगे। नहीं, और जो ब्लैक वाले मुझे वो भी बहुत पसंद आया था, बट उसके पास एक ही पीस था, कलर अलग थे बट ब्लैक में एक ही पीस था, फिर वो मैंने तुझे भेज दिया। लुक्स क्यूट है ना, ओ ये पता है ब्लैक वाले भी जाएंगे इसके साथ में। हाँ, ब्लैक तो सबके साथ जाएगा। हाँ ओके, आप बेकार में ही डर रहे थे यार, मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट मेरे को था ना, मैंने मतलब बहुत सारी कैटेगरी के नहीं दी है, बस एक ही चीज दी है, रिपीट करी है, तो इसीलिए था, क्योंकि सरोजनगर है ही उस चीज के लिए।
मैं कह रही थी कि हाँ बस इतना है कि मेयर थोड़े से क्रिएटिव हैं, बट आप भी पता क्यों सेफ साइड में, क्योंकि आपने वो चीजें दी हैं जिन जो मुझे पसंद है, लाइक मेरे पास एक वो भी था कि मुझे एक ही जगह से देना सरोजिनी नगर से, तो मुझे बोला था ना कि मुझे सरोजिनी नगर से ही चाहिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि मैं वहां से क्या दूं, क्योंकि मेनली वहां पे कपड़े ही ज्यादा होते हैं, तो मैंने वही भी हाँ हाँ वही वही देखते हैं। पता ये ऐसी पैकेजिंग है कि मैं इससे कुछ गेस नहीं कर सकती, क्योंकि हर कुछ ऐसे स्पॉन्जी स्पॉन्जी से, और मुझे पता है कि मोस्टली कपड़े ही होने हैं, तो ओके कुछ ऑरेंज कलर में है, स्कार्फ है ये, नहीं देखते हैं कहाँ से है ये भाई, कैसे है ये, ओके अच्छा ये जंपसूट है क्या यार, मुझे तेरे साइजेस का बिल्कुल नहीं पता, तो मुझे ये भी नहीं पता ये भी तुझे फिट आएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा ये, आ जाएगा, लाइक थोड़ा सा, अब पता मैं पतली हूँ ना तो एकदम फिटेड भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि फिर एकदम ऐसा पतला पतला लगेगा, है ना, बट दिस इज नाइस, और मुझे कपड़ों से प्यार है, मतलब हमें तब तक अच्छे लगते हैं जब तक हमें सुसु ना आए, जैसे सुसु आया ना पूरा का पूरा जो उसको उतारना पड़ता ना, सबसे गंदा वार्ड लगता है मुझे जंपसूट का। जंपसूट के साथ ऐसा होता है, बट आप एक तो ना मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि मतलब मैं चाहे सेवेंथ में हूँ चाहे अभी मतलब बीसीए कर रही हूँ, मेरा बॉडी टाइप हमेशा वैसे ही रहा है, तो कितने पुराने पुराने कपड़े अभी भी मेरे रखे, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं उन कपड़ों को हटाऊं। दादी मेरी इतनी गुस्सा करती है कि तुम कपड़े नहीं देती हो किसी को, अपने रखे रहती हो वो पुराने पुराने, कभी मतलब जो गरीब है कुछ उसको दे दो। हमने कहा यार जब बन रहे अच्छे खासे, कहीं बाहर जाती नहीं हूँ तो, हाँ पुराने हुए नहीं है कैसे दे दूं यार मैं। मजा आ रही है अब, मुझे मजा आ रही है थोड़ी सी, कोई नहीं, देखो मैंने आपका डर दूर कर दिया। स्कर्ट है ये, हाय आई रियली नीड अ स्कर्ट। एक और पार्ट भी है स्कर्ट को ना, नीचे से देखे एक बारी, लाइक अंदर से से शायद तक से मुझे इसकी वेस्ट लूज हो सकती है, पर वो तो मम्मा अल्टर कर देंगी। नहीं इसका ना स्कर्ट का एक और बेस्ट पार्ट है, तो स्कर्ट के नीचे मतलब उल्टा करके देख उसको। ओके ओके अच्छा ये प्रिंटेड है और ये सॉलिड कलर है। अच्छा शॉर्ट्स है, ओके हाँ, और ये ओलिव, दिस ओलिव, ओके ये नाइट सूट, एंड आई रियली वांट अ नाइट सूट। आपने पता है भले ही मुझे कपड़े दिए हों, पर वो चीज़ें दी ना जो मेरे पास नहीं थी मेरे वार्डरोब में, और ऐसे एक सैटिन का वो भी नाइट सूट, किसको नहीं चाहिए, मतलब एवरीबॉडी वांट्स अ सैटिन नाइट सूट, बहुत ट्रेंड में आज के लिए, अच्छा लगता है सैटिन का। बट मुझे ये था कि अभी दो तीन दिन पहले ही मैंने इसकी एक रील देखी थी जिसमें इसने नाइट सूट, सेम नाइट सूट डाला था, बस प्रिंटेड था वो, तो मुझे था कि बस इसके पास ये वाला नाइट सूट ना हो वरना डबल डबल हो जाएगा, और वो चीज़ कोई फनी नहीं रहेगी देने वाली, बट ठीक है नहीं था इसके पास ये। वही तो ना, अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास जो नाइट सूट है ना उसमें डोरेमोन और नोबिता वगैरह बना हुआ है, बट दिस विल लुक क्लासी। हाँ दी लव्स ब्लैक, उनको ब्लैक दे दो, बट अच्छा लग रहा है, थैंक यू यार। अब गिफ्ट्स खत्म हो रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए कि गिफ्ट्स खत्म हो। ओके कुछ पर्पल में है, लैवेंडर में, ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ओ ऐसा सेम टॉप, मतलब नॉट सेम नहीं है, मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से ही मंगाया था जिसमें यहाँ पे ऐसे वो थ्रेड पैटर्न था। ओके ये है यार, क्यों खत्म हो रहे हैं, हाँ हाँ ये ड्रेस है क्या, जारा वुमेन, बट पता है इससे ना ये चीज समझ में आ रही है, ये जो जारा बेसिक है, ये जारा, ये वाला जो जारा का टैग लगा है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है ये वाला, और ये भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके साथ ना वो तनी थी जिससे तू टाइट कर सकती है, तो अपने अकॉर्डिंगली वो देखो फिट हो जाएगा, सो ये मैंने लिया। बस यहाँ से शोल्डर से मुझे थोड़ी सी लूज होगी, बट वो मम्मा ऑल्टर कर देंगी, मेरी मम्मा मेरी पर्सनल
टेलर है मेरी मम्मा, पर कोई नहीं मम्मा मेरी ऑर्डर कर देगी, मम्मा मेरी मम्मा मेरे लिए मेरी पर्सनल टेलर है। अच्छी लग रही है ब्लैक। यार धीरे धीरे मैं जब जब ना इसे बॉक्स में हाथ डाल रही हूँ तब तब मुझे लग रहा है कि गिफ्ट्स खत्म हो रहे हैं। तो उससे ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मुझे लगा नहीं था पसंद आने वाले हैं, बट आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि कपड़े हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टी शर्ट है, फिर से टी शर्ट। ओके, ये वी नेक में है। ये मैंगो का टैग लगा इसमें। रिची या पैगी के बाल लगे ना तो प्लीज उसको इग्नोर करते क्योंकि मैं बेड पे पैक कर रही थी ना और वो बेड पे चढ़ते तो बाल वाल लग गए होंगे उनके। हाँ कोई नहीं वैसा ही नहीं है, कोई नहीं। हाँ बट अच्छा लग रहा है, ये फिट हो जाएगा। फिट हो जाएगा और बेसिक चीजें हैं भाई, बेसिक। ये शायद तक से ये कोई कपड़ा नहीं है, ये कोई क्लोथिंग आइटम नहीं है। देखते हैं, बोलो भाई तो क्लोथिंग आइटम है नहीं। ओके बकेट हैट है। ओहो, पता मैंने आपको बताया ना कि मुझे जो चीज चाहिए होती है ना वो पता नहीं ऐसा होता है कि मैं किसी को गिफ्ट कर देती हूँ। मुझे बकेट हैट चाहिए थी पर मैंने अपनी एक कजिन को बकेट हैट गिफ्ट किया था। अच्छा है। ये मेरी फ्रेंड है सुजैना, कॉलेज की फ्रेंड है, उससे बहुत पसंद आएगा बिकॉज शी इज अ ह्यूज फैन ऑफ BTS। लाइक वो ऐसी पक्की आर्मी है BTS की, और फिर ऊपर से पर्पल, ऊपर से वही बकेट। सारे क्लोथिंग आइटम है मेरे। शर्ट है ये, शर्ट ये मुझे बहुत पसंद आई थी, तेरे पे सूट भी करेगी। और इस पे टैग देख मोडा। हाँ इसे वेरो मोडा बोलते हैं, वीरा मोडा, मतलब वेरो मोडा या वेरा मोडा, वेरा मोडा ना। हाँ अच्छी लगी। और नहीं ऐसे हम शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स पे ना ऐसी क्रॉप शर्ट्स अच्छी लगती हैं। और अगेन बेसिक। हाँ अगेन बेसिक, आई एम टेलिंग यू, यू प्लेड सेफ। हाँ ये भी तुझे फिट होगा और ये भी बहुत बेसिक है बट मुझे अच्छी लग रही है ये, मतलब इसको मतलब अरे हटना, फिट होगा भाई, अच्छी लग रही है ये। ऐसे बॉडीकॉन ड्रेस जैसी है ना, ये फिट होगी मुझे। हाँ और ये ऐसे एकदम सी ग्रीन नहीं कहेंगे, कौन सा कलर कहेंगे, सी ग्रीन ही है। हाँ ये सेज ग्रीन टाइप का है, आई थिंक सो सेज ग्रीन है, बट अच्छा लग रहा है। बस ये जो मेरी ब्यूटी बोन्स के नाम पे जो कुछ ज्यादा ही ब्यूटी बोन्स निकली हुई है ना वो कम हो जाए तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी। बट नहीं मुझे सारे कपड़े अच्छे लगे, कपड़े मुझे कपड़े दिलाते रहो, मुझे सारे कपड़े खत्म हो गया। मुझे खुद को हो रहा था यार अभी खोलती रहे खत्म हो गए। अच्छा सब में से टॉप 3 बता जो तुझे अच्छे लगे हो। वाला क्लेचर भी अच्छा लगा कि उसकी जो डिजाइन है ना वो अच्छी लगी मेरे को। एंड सबसे अच्छा अगर मुझे कुछ लगा है तो वो है, या पता है कपड़ों में 2-3 चीजें हैं। एक तो ये स्कर्ट भी अच्छी है और फिर वो जो लास्ट वाली ड्रेस थी वो मेरे को काफी अच्छी लगी। ये जो ड्रेस है सिंपल सी है और मुझे हमेशा से वैसे भी ना सिंपल चीजें अच्छी लगती हैं। ये वाली ड्रेस, ये ड्रेस मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ फिटिंग आएगी, ये चीज थोड़ा लूज होगा क्योंकि एक तो मेरा मतलब काफी डीप आएगा और डीप आने की वजह से यहाँ की बोन्स दिखेंगी, वैसा होगा नहीं। बट बहुत 2-3 चीजें हैं यार, मेरे को वो ड्रेस भी अच्छी लगी, ये स्कर्ट भी अच्छी लगी और यार सारी अच्छी हैं, मैं सारी ही पहनूंगी। सरोजनी नगर के वो ओपन पड़े रहते ना सारा कुछ। हाँ तो वॉश करके पक्का सॉरी।
मैंने आपको कोई क्लोथिंग आइटम नहीं दिया ना, क्योंकि आपने मुझे इतने सारे क्लोथिंग आइटम दिए तो मैंने आपको कोई क्लोथिंग आइटम नहीं दिया। हम लोगों ने अपोजिट कर लिया, मतलब मैंने सारे क्लोथ, और जो इसने दिया ना उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दी हैं जो आप लोग मतलब ऑनलाइन मंगवा सकते हो, और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट आइडियाज हैं, तो इसका भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वो जरूर देखना जाके। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, कुछ कहना चाहोगे? प्लीज आप कभी आओ या मुझे वहां पे बुलाओ, और मुझे आपसे मुझे कोई मतलब नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ रिची से मतलब है। नहीं नहीं आपसे भी मतलब है, आपके साथ ही शॉपिंग पे जाना है मुझे। कभी भी आ जाओ, फिर साथ में चलेंगे सरोजनी, जनपद, पालिका, सब जगह चलेंगे। पक्का पक्का, और सबसे पहले मैं आके रिची के साथ खेलूंगी। ठीक है, रिची के साथ ही सोई हूँ, तो वो तो फैन होता है, वो तो लड़कियों का वैसे ही बहुत बड़ा फैन है। रिची भी एकदम फ्लर्टी है, उसके साथ ही रहता है वो। कोई नहीं। ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको क्या देखना है क्या नहीं, और शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसका भी चैनल सब्सक्राइब कर ही देना।